गाइस वेलकम टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे फवाद आलम के यूनिक बैटिंग स्टांस के बारे में। जैसा कि उन्होंने दूसरे टेस्ट में आके बिल्कुल स्ट्रेट खड़े हो गए थे, जैसा लग रहा था कि वो चंद्र बॉल की कॉपी कर रहे हैं, और ऐसा भी लग रहा था कि जो लगान में जो एक बंदा हो जो दाढ़ी वाला जैसा बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हो गया उसकी कॉपी कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि उसकी तरह लग रहे थे। तो उन्होंने फवाद आलम में काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट किया, जो इंटरनेशनल कमबैक किया इतने सालों बाद, 10 सालों बाद उन्होंने कमबैक किया। लास्ट जो मैच खेला था वो 2009 में न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेला था, अच्छी उन्होंने बैटिंग की थी, उसके बाद से अब तक वो टीम में नहीं आए थे। तो उनको तकरीबन साढ़े दस साल बाद उनको चांस मिला था कि पाकिस्तान के लिए नुमाइंदगी कर सकें। तो उनको इन्होंने लेकिन फवाद आलम ने बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट किया, सिर्फ 4 गेंदे खेल सके और 0 पे आउट होके चलते बने। जो जैसा कि आपको पता है वो कायद अजम ट्रॉफी में कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, और 2019 में डबल सेंचुरी के बाद लोग उनके काफ़ी हेडलाइन बनी थी कि इनको टीम में लाया जाए, ये बहुत डिज़र्व करते हैं। तो उनको टीम में काफ़ी देर पहले टीम में लाया गया था, लेकिन उनको स्क्वाड में उनका नाम आ गया था, लेकिन टीम या 11 साइड में उनका नाम नहीं आ रहा, टीम में नहीं, मैच में नहीं खिलाया जा रहा था, सिर्फ ज़्यादातर वाटर बॉय वो बने नज़र आते थे। लेकिन इस दफ़ा दूसरे टेस्ट में उनको चांस मिला, वो भी शताब खान की जगह उनको चांस मिला कि अपने आप को प्रूव कर सके, साबित कर सके कि सारे लोग ठीक कहते थे कि इनको डिज़र्व करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अनलकी ज़्यादा साबित हुए कि वो 4 गेंदे खेल के 0 पे आउट होके चले गए। और ट्विटर ने उनको काफ़ी ट्रोल किया इनके यूनिक बैटिंग स्टांस के बारे में। तो आप आगे देखेंगे, जो आगे वीडियो देखेंगे वो ज़्यादातर ट्विटर ट्वीट्स होंगे लोगों के, जो उन्होंने फ़नी ट्वीट्स किए हैं, उनके बारे ट्रोल किया है काफ़ी ज़्यादा फवाद आलम को। तो आप देखते हैं तीसरे टेस्ट में वो कैसा परफॉर्म करते हैं। ज़्यादातर खबर है कि वो तीसरा टेस्ट खेलेंगे, उनको ड्रॉप नहीं किया जाएगा। तो 21 अगस्त से यानी कि कल ही वो मैच स्टार्ट होगा, कल मैच स्टार्ट होगा, तो आप देखेंगे कि फवाद आलम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो आगे आप वीडियो देखेंगे वो ट्वीट्स वगैरह। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय।